हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे AFO मेंस प्रिपरेशन के पार्ट 9 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी रिमेनिंग पार्ट को देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज का पार्ट 9, जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो जानेंगे दोस्तों, नाबार्ड ने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं फार्मर्स के लिए और उस पर क्या क्या आउटले रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है, इंश्योरेंस होगा कि नहीं होगा, किस किस एसेट का इंश्योरेंस हो सकता है और सिक्योरिटी क्या जमा करनी पड़ती है फार्मर को। तो सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे दोस्तों इस प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि नाबार्ड के थ्रू प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो पहला पार्ट आ चुका है जो कि आपका नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जो नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ एरिया हैं जिन पे नाबार्ड ने बैंकेबल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जो कि है पहला एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड है फार्म मैकेनाइजेशन, फोर्थ है फिशरीज, फिफ्थ है फूड प्रोसेसिंग, सिक्स्थ है फॉरेस्ट्री, सेवन्थ है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एट्थ है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, नाइन्थ है प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर, टेंथ है सोलर फेंसिंग और इलेवंथ है वाटर रिसोर्स। तो दोस्तों, ये सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं और इन्हीं के अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट नाबार्ड के द्वारा चलाए गए हैं, जो कि बैंकेबल प्रोजेक्ट हैं, जिन पर बैंक अच्छा खासा लोन देती है गवर्नमेंट फार्मर्स को, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और बाकी बाद में एक इंटरेस्ट के साथ वो वापस ले लेती है। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल में वन बाय वन। तो सबसे पहले हम टारगेट आज करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अंदर भी दोस्तों तीन प्रोजेक्ट आते हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका हो गया पोल्ट्री के लिए, दूसरा डेयरी फार्मिंग के लिए और तीसरा हो गया पिग फार्मिंग के लिए। तो आज पहला हम कंप्लीट करेंगे और वो हमारा रहेगा एनिमल हस्बेंड्री का पहला पार्ट, जो कि है मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन इंडिजिनस पोल्ट्री फार्मिंग। तो दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देसी मुर्गी पालन, ठीक है। तो देसी मुर्गी पालन के लिए नाबार्ड की तरफ से बैंकों द्वारा कितना यहाँ पर सहायता दी जाती है, कितने परसेंट, या फिर बोल सकते हो कि लोन में कितनी सहायता दी जाती है फार्मर को, और कितने टाइम बाद उसको वो पेमेंट लौटाना पड़ता है, और कितने परसेंट का वहाँ पर इंटरेस्ट लिया जाता है बैंकों के द्वारा। तो सारी जानकारी हम इसमें लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका आउटले है। और आउटले की बात करते हैं तो आउटले मींस होता है दोस्तों कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है, जो व्यय होता है या जो एक्सपेंडिचर होता है, उसी को आउटले बोलते हैं। तो आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द लोकल कंडीशंस, यूनिट साइज एंड द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इंक्लूडेड द प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि जो प्रथम जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो किस पे डिपेंड करता है, लोकल कंडीशंस पे। लोकल कंडीशन कैसी है, मार्केट वहाँ की कैसी है, वहाँ का जो लैंड रेट है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है यूनिट का साइज आपको कितना रखना है। क्योंकि अगर साइज बड़ा करोगे तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, आपको नंबर ऑफ लेबर वहाँ पर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आउटले डिपेंड करता है लोकल कंडीशंस पे, यूनिट के साइज पे और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इंक्लूडेड इन दी प्रोजेक्ट। और इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आउटले। अगर हम बात करेंगे मार्जिन मनी की, तो मार्जिन मनी डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द बोरोअर एंड मे रेंजेस फ्रॉम 10% to 25%। तो दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि पोल्ट्री फार्मिंग की अगर बात करें, तो इंडिजिनस पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर के लिए जो गवर्नमेंट का नाबार्ड का बैंकेबल प्रोजेक्ट है, उसमें मार्जिन मनी कितना है। तो यहाँ पर 10 से 25% आपका आंसर होगा। अब दोस्तों, मार्जिन मनी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मार्जिन मनी वो होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट का, मान लीजिए 15 लाख इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 15 लाख है, ठीक है, और बैंक की तरफ से उसमें 12 लाख रुपये आपको लोन मिल रहा है, ठीक है, 12% के इंटरेस्ट पे, ऐसे मान लीजिए। तो वहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 3 लाख। तो 3 लाख आपका क्या हो गया, मार्जिन मनी हो गया, जो कि अपनी पॉकेट से आपको उस प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल से जानेंगे। इतना समझ लीजिए कि ये पैसा जो होता है वो आपको, या जो भी बोरोवर होता है, उसको अपनी जेब से लगाना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से बैंक इंटरेस्ट रेट लेती है लगभग 12
परसेंट पर एनम। तो यहाँ पर 12% का ब्याज गवर्नमेंट या फिर बोल सकते हो बैंक लेती है उस फार्मर से जो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, आगे बात करेंगे सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी आप जानते हो, सिक्योरिटी क्या होता है, एक तरह से बॉन्ड्स होते हैं जिनको आप गिरवी रखते हैं। किसी भी टाइप में एसेट हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई शेयर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, किसी भी टाइप में आपकी सिक्योरिटी हो सकती है जिसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नाबार्ड के और आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइन पे कि उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं, आपको क्या देना है या फिर कुछ भी नहीं देना है। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आपको आधार कार्ड पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, कुछ स्कीम ऐसी होती हैं कि आपको अलग से वहाँ पर एसेट जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन की। तो दोस्तों कोई भी फार्मर है या कोई भी पर्सन है, अगर वो ब्रॉयलर फार्मिंग के थ्रू एक प्रोजेक्ट है जो बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड ऑफ लोन फॉर ब्रॉयलर फार्मिंग इज़ 5% विदाउट मोराटोरियम। इसका मतलब है कि 5 साल में आपको वो पैसा वापस लौटाना है। ठीक है, उसकी आपकी ईएमआई बन जाएगी, ईयर बाय ईयर उतने पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से उतना पैसा आपको बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, तो बोल सकते हो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द रीपेमेंट ऑफ लोन इन दी स्कीम ऑफ ब्रॉयलर फार्मिंग। ठीक है, जो कि नाबार्ड के थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट है, ये आपको पता रखना है। तो यहाँ पर 5 साल का टाइम मिलता है और कोई भी आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा लिमिट नहीं दी जाती, आपको 5 साल में वो जो लोन है आपको दोबारा रीपेमेंट करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों कोई भी आप बिजनेस करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर हम बात करें पोल्ट्री फार्मिंग की, तो पोल्ट्री बर्ड होती है उसके भी इंश्योरेंस होते हैं, और कुछ एसेट हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपने जो शेड बनाया है तो उस शेड का भी इंश्योरेंस हो जाएगा, मान लीजिए कभी आग लग जाती है। ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसका भी इंश्योरेंस कंपनी कवर देती है और आपको वहाँ पर पैसा मिलता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस में भी बर्ड हो गया और अदर एसेट जैसे इक्विपमेंट, पोल्ट्री सेट, इनके भी इंश्योरेंस होते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में आती हैं। अब चलते हैं, एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि 100 बर्ड्स के लिए है, जो कि आपका ब्रॉयलर है। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ब्रॉयलर क्या होता है। तो दोस्तों जो ब्रॉयलर होता है इसका मतलब है कि होता चिकन सी है। ठीक है, ऐसी चिकन जिसको मीट के लिए रेस किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी मुर्गी जिनको मीट उत्पादन के लिए बड़ा किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, उसको ब्रॉयलर बोलते हैं। तो यहाँ पर 100 बर्ड्स का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक मॉडल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम निकालेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड 100 स्क्वायर फीट। अगर आप 100 स्क्वायर फीट का एक शेड बनाते हो मुर्गियों के लिए, जिसमें आपको मड वॉल लगानी पड़ेगी, बम्बू लाना पड़ेगा और आपको एक रूफ बनानी पड़ेगी, तो लगभग खर्चा आपका आएगा 5,000 रुपये का। ठीक है, ये बात हो रही है 100 फीट स्क्वायर की। ठीक है, अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब जो भी छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं उनको सारी चीज़ें होती हैं, तो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,500 रुपये के इक्विपमेंट आएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो कैपिटल कॉस्ट हो गई वो आपकी कितनी हो गई, 6,500। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैपिटल कॉस्ट क्या होती है और रिकरिंग कॉस्ट क्या होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका है रिकरिंग कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ 100 डे ओल्ड चिक्स। ठीक है, तो ये 2,500 रुपये का है, और कॉस्ट ऑफ फीड उनको खिलाने के लिए जो खर्चा है वो 5,000 रुपये का है। तो कहने का मतलब है कि जो रिकरिंग कॉस्ट हो गई वो आपकी 7,500 रुपये हो गई। एक बार और जान लीजिए कि कैपिटल कॉस्ट 6,500, रिकरिंग कॉस्ट 7,500, अगर आप इसको जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा दोस्तों, 14,000 रुपये यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गई उस प्रोजेक्ट की। इतना क्लियर है? अच्छा, अब कैपिटल कॉस्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी कॉस्ट जो एक फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई वन टाइम एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद आपको एक्सपेंस नहीं करना। जैसे आपने कोई लैंड खरीद लिया, तो आपने एक बार खरीद ली, आपको बार बार उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराया, तो एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया तो सारी चीज़ें फुलफिल हो गई, आपको दोबारा से वहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। आपने कोई इक्विपमेंट खरीदना है, तो एक बार आपने खरीद लिया तो आपका एक तरह से कैपिटल कॉस्ट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे रिकरिंग कॉस्ट क्या होती है। तो रिकरिंग कॉस्ट इज़ दोज एक्सपेंसेस विच आर इंक्रीज बाई अ बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो दोस्तों रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसिव होते रहते हैं, और रिकरिंग कॉस्ट इज़ वेरी असेंशियल फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए रिकरिंग कॉस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों होती है? रिकरिंग कॉस्ट में आते हैं, आपने किसी कोई भी आपने प्रोजेक्ट खोला तो वहाँ पर कोई ज़मीन लिया तो उसका रेंट देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपको इंश्योरेंस कराना है, तो आपको हर साल आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा,
आपको सैलरी देनी है, जो भी आपके एम्प्लॉई हैं, लेबर है, वर्कर हैं, तो ये आपको मंथली ईयरली आपको देने पड़ेंगे। ये मतलब है कि ये खर्चा रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, आपका वन टाइम नहीं है। आपको ट्रैवल करना है तो डेली जब भी आप ट्रैवल करेंगे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, कैपिटल कॉस्ट क्या होती है और रिकरिंग कॉस्ट क्या होती है। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी निकल आई, 14,000 रुपये इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिन कितना है, 10%। तो 14,000 का 10% कितना होता है, 1,400 रुपये। तो यहाँ पर 1,400 रुपये अगर माइनस करोगे तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 12,600। ठीक है, कितना बचा, 12,600 रुपये। तो 12,600 रुपये आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना रहेगा, 12% पर एनम का। और जो 1,400 रुपये है ये आपको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। जो भी बोरोवर है या बोल सकते हो जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसको लोन लेना है गवर्नमेंट से या बैंक से, उसको 1,400 रुपये अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। और 12,600 रुपये बैंक लोन देगी 12% पर एनम पे, जिसका रीपेमेंट ऑफ लोन होगा 5 साल। ठीक है, 5 साल में उसको वो पैसा वापस करना है, ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि 1,400 रुपये पॉकेट से लगे और यहाँ पे 12,600 रुपये बैंक से मिले, टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 14,000। तो 14,000 का ये 100 वर्ड का प्रोजेक्ट है, जिसको किसी भी पर्सन ने इस्टेब्लिश किया है, स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर 14,000 रुपये खर्च होगा, जिसमें 12,600 बैंक की तरफ से मिलेगा और 1,400 रुपये उसको अपनी पॉकेट की तरफ से लगाना पड़ेगा, तब ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो था पोल्ट्री ब्रॉयलर बर्ड फार्मिंग के लिए 100 वर्ड के प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या क्या जाना, कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, रिकरिंग कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्जिन कॉस्ट क्या है, 10%, ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में 10% देता है तो आप 10% करेंगे, और अगर 10 से 25 के बीच में देता है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, और या फिर अगर 25 से 25 से कम नहीं है तो आप 25 वाला भी टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया यहाँ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जितने भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं जो मैंने अभी नाम गिनाए थे, सभी पे जितने भी उसके प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि जल्दी से मैं नेक्स्ट पार्ट नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट पर लेकर आऊँ, ताकि आपके जितने भी नाबार्ड के प्रोजेक्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।